और जालना जिले के भोकरदन तालुका में भारी बारिश के चलते किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि कृषि विभाग को क्षेत्र में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त कृषि फसलों की सूची बनाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में किसानों की मदद करने का सही फैसला लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को एनडीआरएफ के नियमों के मुताबिक मदद मिलेगी। एक लक्षात घ्या का मी आदेश दिलेले आहे का एक ही नुकसान झालेला शेतकरी सुटणार नाही, नंबर एक। नंबर दोन, भोकरदन पासून सिल्लोड पर्यंत यायला 2 तासांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी उभे आहे। सिल्लोडचं भी पंचनामे केले काही आणि लगेच इकडे निघालो। आता या सर्व तालुक्याची जी आज कृषी विभागाची मीटिंग भी घेणार आहे आणि मीटिंग घेतल्यानंतर किती पंचनामे गेले, कोणता सोयाबीन कुठं नुकसान झाला, कुठं मकाचा झाला, कुठं कापसाचा झाला, वेगवेगळे पीक आहे, या वेगवेगळ्या पिकाच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत आहे। आणि हे पंचनामे एकदा झाले का लगेच कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मोदी याच्यामध्ये अंतिम